वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मिनी समोसे। हल्दीराम के मिनी समोसे तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल हल्दीराम के मिनी समोसे जैसे ही है। आज मैं हल्दीराम की जो भुजिया आती है उसकी जो गांठ हमारे पास बच जाती है उससे मैं समोसे बनाने वाली हूँ। तो अब हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। मिनी समोसा बनाने के लिए 1 कप मैदा लेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक लेंगे, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे, उसको हाथों से क्रश कर देंगे, 2 टेबल स्पून घी लेंगे, 2 टेबल स्पून घी लेंगे अब इन सबको अच्छे से मिला देंगे। अब हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए मैंने 1/4 कप वाटर लिया है। आटा हमारा लग गया है, देखिए सख्त आटा लगा है, इसके लिए सख्त आटा ही लगाएंगे। अब आटे को चिकना करने के लिए हाथों में थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे को चिकना करेंगे। अब आटे को 15 मिनट के लिए साइड में ढक के रख देंगे। अब हमने 1 कप भुजिया की गांठ ली है, 1/2 कप भुजिया लिया है हल्दीराम का। अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। अब मिक्सर ग्राइंडर में भुजिया की गांठ डालेंगे। अब भुजिया डाल देंगे और अब इन दोनों को हम मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए ये पीस चुका है। अब हम इस मिक्सचर को बोल में डाल देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच पिसी हुई सौंफ डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी और 15 से 20 किशमिश डालेंगे, 5 से 6 काजू कटे हुए डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा मिक्सचर स्टफिंग के लिए तैयार हो गया है। 15 मिनट हो गए हैं, अब आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले तोड़ लेंगे। देखिए सारे गोले बनके तैयार हैं। अब हम बेलेंगे, इसको लंबा बेलना है। इसके लिए पहले हमें गोल बेलना होगा, फिर धीरे धीरे इसको लंबा बेलेंगे। ये बिल चुका है, अब हम इसे काटेंगे और अब हम इसे भरेंगे। भरने के लिए एक हिस्से को हाथ में रख लेते हैं और इसके चारों बगल पानी लगाएंगे। अब इसके दोनों हिस्से को मिला के चिपका देंगे। इन सभी को अच्छे से चिपकाना है ताकि इसमें से मसाला ना निकले। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, जो कि मैं 1/2 छोटा चम्मच स्टफिंग डालूंगी। स्टफिंग के थोड़ा थोड़ा दबा देंगे
और अब पीछे वाले हिस्से को आगे वाला हिस्सा जो हमने ज्वाइन किया है उससे मिला के फोल्ड करके आगे वाले हिस्से से चिपका देंगे। इसको अच्छे से चिपका देना है, नहीं तो तलते वक्त ये निकल सकता है। ये हमारा भर के तैयार है। सारे समोसे मैंने पहले से भर के रख लिए हैं। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें एक एक करके सारे समोसे डाल देंगे। इन समोसों को हमें लो फ्लेम पे ही तलना है, नहीं तो मैदा अंदर से कच्चा रह जाएगा। सभी समोसों को तलने में हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमारे समोसे तल गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे एक प्लेट में। समोसे तल गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बने हैं। इनका टेस्ट सचमुच बहुत ही अच्छा है, आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।